स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कुकुम्बर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं आज, आप प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें। अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखें, कुकुम्बर के फ़ायदे हैं दोस्तों। खीर में एक अंठी इन्फ्लेमेटरी फ्लेमोनल होता है जिससे फिसेटिन कहा जाता है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी याददाश्त में सुधार करने और उम्र से संबंधित गिरावट से आपकी तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करने के अलावा अल्जाइमर रोग के साथ चूहों में प्रगतिशील समृद्धि और सीखने की दुर्बलता को रोकने के लिए एक फाइनाइट पाया जा गया है। ठीक है दोस्तों, नंबर दूसरा फायदा है कुकुम्बर का, कैंसर के अपने जोखिम को कम करें। कैंसर के अपने जोखिम को कम करें। खीर में लिग्निन पिनोरसिनोल लाइकारसिनोल और सेकोइल साइनल्स नाल नमक प्रोफिनोल होता है, जो आपके रतन गर्मेश लिम्बोनिन और पोस्टेस केसर कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। तीन इनमें फाइनोट ट्यूनेट्स भी शामिल हैं जिन्हें कुर्क बीटासन भी कहा जाता है। कैंसर विरोधी गुण होते हैं, जांच मेटाबॉलिज्म फाउंटेनिश के अनुसार चार वैज्ञानिकों ने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि कैंसर सेल के विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि अलग अलग सिग्नलिंग मार्ग, उदाहरण के लिए जक्षट और MAP के रास्ते, कोयूरिटिसिन की गतिविधि द्वारा, कोक रिटेंस की गतिविधि द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। सूजन से लड़े। ठीक है दोस्तों, खीर आपके शरीर में भड़काऊ प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद कर सकता है, और जानवरों के अध्ययन में पता चलता है कि खीर का अर्क औषध सूजन को कम करने में मदद करता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी एंजाइम की गतिविधि को रोककर
साइकिलों, एक्सीडेंट्स सहित कॉक्स एंटीऑक्सीडेंट गुण। खीर में कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिसमें प्रसिद्ध विटामिन सी और बीटा कैरोटीन शामिल है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट फिलामेंट्स भी होते हैं जैसे कि केवर सेटिन, एपोगिनिन, ल्यूटोनिन और कम्पोफेरोल, छह जो अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए क्वेसेटिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कई लोगों को मानना है कि स्टामिल रिलीज को रोकता है। केवरसेटिन युक्त खाद्य पदार्थ प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट माइन इस बीच कैम्फोरिन कैंसर से लड़ने में हृदय रोग सहित पुरानी बीमारियों के अपने जोखिम को कम करने में मदद करता है। अपने सांस को फ्रेश करें। अपने मुंह की छत पर खीर का टुकड़ा रखने से आपके मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा मिल जाता है। अपने मुंह की छत पर खीर का टुकड़ा रखने से आपके मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा मिल सकता है। आयुर्वेदिक के सिद्धांतों के अनुसार खीर खाने से आपके पेट में अतिरिक्त गर्मी छोड़ने में मदद मिल सकती है जिसे सांसों की बदबू को प्राथमिक कारण कहा जाता है। तनाव को प्रतिबंधित करें। खीर में विटामिन B1, विटामिन B5 और विटामिन B7, बायोटिन सहित कई बी विटामिन होते हैं। बी विटामिन चिंता की भावनाओं को कम करने में और तनाव के कुछ हानिकारक प्रभावों को बफर करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। अपने पाचन स्वास्थ्य को समर्थ करें। खीरे स्वास्थ्य पाचन के लिए आवश्यक सबसे बुनियादी तत्वों में से दो में समृद्ध है, पानी और फाइबर। अपने रस या सलाद में खीरे को शामिल करने से आपको अपने शरीर की ज़रूरतों के लिए फाइबर की आदर्श मात्रा को पूरा करने में मदद मिल सकती है। प्रति 1000 कैलोरी खपत 50 ग्राम। यदि आप एसिड रिफ्लेक्स के साथ संघर्ष करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीने के पानी में अस्थायी रूप से पेट के पीएच को बढ़ाकर एसिड रिफ्लेक्स के तीव्र लक्षण को दबाने में मदद मिलती है। यह संभव है कि पानी से भरपूर खीरे का एक समान प्रभाव है। खीरे को खाल में अघुलनशील फाइबर होता है जो आपके मल में
थोक जोड़ने में मदद करता है। यह स्वास्थ्य उन्मूल के लिए भोजन के आपके पाचन तंत्र के माध्यम से अधिक तेजी से स्थानांतरित करने में मदद करता है। एक स्वस्थ वजन बनाए रखें। खीरे कैलोरी में बहुत कम होते हैं, फिर भी वे एक भरने वाले स्नैक बनाते हैं। एक कप कटा हुआ ककड़ी में सिर्फ 16 कैलोरी होते हैं, 18 खीरे में 8 खीरे में घुलनशील फाइबर आपकी अंत में एक जेल जैसी बनावट में घुल जाते हैं, जिससे मदद मिलती है। अपने पाचन को धीमा करने के लिए यह आपको लंबे समय तक पूर्ण महसूस करने में मदद करता है। और एक कारण है कि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ वजन नियंत्रण में मदद करते हैं। सपोर्ट हार्ट हेल्थ। खीरे में पोटेशियम होता है, जो निम्न रक्तचाप के स्तर से जुड़ा होता है। आपके शरीर के अंदर जो बाहर दोनों जगह पोटेशियम का एक उचित संतुलन आपके शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम एक सकारात्मक आवेशित अज्ञान है, जो अपने कार्यों को करने के लिए एक निश्चित सांद्रता आपकी कोशिशों के बाहर की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक और बनाए रखने चाहिए, जिसमें तंत्रिका का आवेग, चंचल मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रण करने में मदद करने के लिए सोडियम के साथ बातचीत करना शामिल है और दिल समोरा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये सब फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं जो कि खीरे में आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।